अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल बिनते ज़ाहरा। मुझे ज़ारा कहते हैं, आपको क्या कहते हैं? आपने अभी तक नहीं बताया तो जल्दी से मुझे बताइए कि आपको क्या कहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स पे। तो आज संडे का दिन था और सुबह का आगाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ था, काफ़ी सनी डे था, काफ़ी नहीं बल्कि सनी डे था। तो थोड़े बहुत काम करने के बाद मैं बाहर आई अपने शहर में, तो यहाँ पे आके अपने इकलौते पौधे को देखा। तो एक्चुअली हमारे घर में ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पौधा है जिसे हमारी ज़ुबान में तो गुलदुपहरी कहते हैं, बाकी मुझे नहीं पता कि उसको क्या कहते हैं। एक पौधा हमारे घर में सिर्फ इसलिए है कि हमारे घर में जो पौधों की जगह थी जो मेरी मदर इन लॉ ने रखवाई थी पौधों के लिए, एक्चुअली को गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ये अपने शौक़ के लिए ये तीतर रख दिए थे। उनको बर्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो इसलिए फिर मेरे घर में पौधे नहीं हैं। बर्ड्स को देखने के बाद फिर मैं अंदर आ गई थी और इस रूम में मुझे कुछ काम था, और फिर संडे का दिन हो तो या कोई भी दिन हो, मुझे के सारे दरवाजे खोल के सारे रूम देखने का बहुत होता है, अच्छा लगता है मुझे। दिन में तमाम कमरों में ना तो मुझे लगता है, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसे होता है या सबके साथ होता है, पर मुझे अच्छा लगता है अपने घर के सारे दरवाजे खोलना। अलग के आजकल हालात ऐसे नहीं है, फिर भी मुझे अच्छा लगता है। वहाँ से फिर मैंने ये उठाया गुलदान, हाँ गुलदान ही कहते हैं इसको, तो गुलदान उठाया तो इसको मुझे कहीं रखना था, यहाँ पे रखना था इस टेबल पे। मुझे अपना टेबल अपनी टीवी लाउंज में बहुत ज़्यादा पसंद है और उस पर पड़ा हुआ हो ना गुलदान तो मुझे अच्छा लगता है। तो वैसे तो मेरे ना डेकोरेशन पीसेस नहीं है क्योंकि बच्चे इन पर वो तोड़ देते हैं, और मेरे क्योंकि लोग के साथ हमारा घर 24/7 मैं मानूँ कि आंदोलन से भरा रहता है, तो किसी टाइम हमारे घर में मेहमान आ सकते हैं और कोई बहुत स्पेशल वही होते जो कोई अपने डेली भी आते हैं। तो आपके घर में भी क्या ऐसी होता है? तो फिर ये जो थोड़ी बहुत चीज़ आगे पीछे वो सफाई वगैरह करते हुए फिर मुझे वापस उनको उनकी जगह पे रखना था। ये पेड़ जो हम जैसे लोगों की पंजाबी लोगों की पठौर पठवा लोगों की शान की मदद की, तो वही वापस उन जगह पे रख रही हूँ। तो ये 10 लोग बैठी हैं, एक बारी पड़ी है। तो फिर मुझे अलमारी बर्तन निकालने थे, मुझे लगा था मैं अलमारी के जो बर्तन हैं वो सेट कर के रखूँ। एक महीना पहले मैंने धो के रखे थे क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो फिर मुझे रखने थे और कुछ कांच के बर्तन निकालने थे। फिर मैंने अपना नाश्ता किया, फुल्ली क्या कह सकते हैं, फुल फैट वाला नहीं, खैर कोई भी कह ले उसको, मुझे अच्छा लगता है ऐसे पराठा और साथ में खाइए सबसे पहले। बट मैंने आज का जो ले रहे हैं, संडे का दिन था तो मैंने कहा कि मैं बिजी हूँ तो फिर सबको बिजी रखूँ, तो फिर इसलिए मैंने लड़कों को पकड़ा, फिर अपने बच्चे हैं तो फिर मैंने कहा कि मुझे जाली बात करते हैं, तो ये लोग तो अपनी अपनी सवारियों को नहलाने लाने में रुके। तो संडे को तो ये काम लाजमी होता है, गाड़ी घर पर हो तो गाड़ी को भी धोएंगे बच्चे। तो एक बेटा था, मेरा बेटा था, दे ऑलवेज टुगेदर वो हमेशा साथ ही होते हैं। तो फिर ये लोग धो रहे थे तो मैं मशीन लगानी थी, संडे का दिन हो लॉन्ड्री ना हो ऐसे तो हो ना, तो लॉन्ड्री मैंने 2-3 दिन पहले की थी, बट फिर भी गंदे हो गए थे, कपड़े बच चुके थे थोड़े से अपने थे, यूनिफॉर्म था थे, तो फिर मैंने सर्फ मंगाया, तो रोज मैंने पैसे मंगवाए थे। तो बट फिर ये एक मिला था मुझे, फिर मैंने सोचा कि इसको इसके कंधे में डालूँ, बहुत ज़्यादा जगह मिल गया कि लोग ऐसे ना छोड़ देते हैं, उससे ज़्यादा हाथ लगे तो गिर जाता है, तो इस तरह कंटेनर रखना ईजी होता है, बस उठाओ डाल लो, तो गिरने का डर नहीं होता, दया नहीं होती चीज़, तो दया करना चीज़ बताया होना अच्छा नहीं होता है। तो जितनी आप सेविंग करेंगे उतना अच्छा होगा। खैर मैं ये आपको बन के नसीहत दे रही हूँ लेकिन ख़ुद मैं इतनी ज़्यादा सेविंग नहीं करती, खैर थोड़ी बहुत तो कभी हर शक्त हो गया उसको, मत कोई भी नहीं होता। टिब्बे को थोड़ा सा भर के मैंने कहा कि इसको वापस उसके लोहे एरिया में रखाती हूँ, तो टेबल पर नजर पड़ी और बच्चे काम वाम करके और मैंने टीवी पड़ी हुई एंटी, तो फिर मैंने कहा डिब्बा फेंक गया। फिर मैं दोबारा बाहर जाना पड़ा, उनको पकड़ के लाना पड़ा कि लो भाई अंदर आ जाओ और मुझे उठा के दो, और जो सामान थोड़ा हैवी है वो मुझे उठा के रखे थे। तो मौसम चेंज हुआ तो थोड़ी सी मेरी डल हुई थी, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो साथ में फिर कपड़े धो रही थी, पहले वाइट कपड़े धो लेते हैं जैसे सब करते हैं स्पेशली इट, तो पहले यूनिफॉर्म अगर वाइट हो जो कलर ड्रेसेस होते हैं वो रहता, वो फिर मुझे खाना ना था कि मैंने खाना नहीं बनाया था क्योंकि रात की लेफ्ट ओवर बिरयानी थी जो कि मैंने खुद बिल्कुल नहीं बनानी थी, मैंने कभी बिरयानी नहीं बनाई थी, बहुत पहले शायद बनाई थी, बहुत बुरी बनी थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी। तो फिर ये हमारे एरिया की बिरयानी थी, बड़ी मशहूर बिरयानी है, तो फिर मैंने खाई, साथ में मेरे बच्चों ने खाई, छोटे बच्चों ने, और हाँ वाह मज़ेदार। दैन ये फिर शाम का टाइम था और मुझे छत से कपड़े उतारने थे, मैं सिंगली हर चीज़ अपने घर की मालिश करती हूँ, हर काम खुद करती हूँ, पहले मैंने रखी हुई थी बट उनकी कुछ हरकतें ऐसी थी, फिर उन्होंने कुछ करना मैं ऐसे किए थे, तो फिर उनको गाना गाना भाग गई थी एडवांस ले भाग गई थी,
फिर वो कुछ देरी होती है ना, सारे दिन नहीं होती। फिर साथ में हालात ऐसे नहीं कि आप किसी भी ट्रस्ट करें, इन लोगों को तो बिल्कुल नहीं करना, अगर बहुत कोई इतना नहीं हो तो वो भी। फिर मुझे शाम के खाने की तैयारी करनी पड़ी, बेटा करेले लेके आया, मैंने उसको बोला था, और वो खुद करेले नहीं खाता, करेले और बैंगन, लेकिन वो करेले और बैंगन चुन चुन के लाता है, अच्छे वाले जाता है। तो मुझे ये कटना था, और मदर इन लॉ मुझे अलग से चिकन सूप तैयार करना था, और फिर मैंने अपनी चाय बनाई, चाय के बगैर मेरी ना सांस नहीं आनी। तो आप में से कोई चाय का लवर है और तकरीबन हो भी लो तो वो मुझे ज़रूर बताइए। मेरी डेली रूटीन सिंपल सी रूटीन है, मुझे कुछ भी स्पेशल नहीं है मेरी रूटीन में कि मैं आपको रेसिपी सिखाऊँ, आपको ब्यूटी टिप्स दूँ या कुछ भी नहीं है। तो मैं अपने इस घर में अपने बच्चों के साथ, अपने मदर के साथ रहती हूँ, और हाउस वाइफ होना बिल्कुल भी ईजी नहीं है। लोग समझते हैं ना, बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, तुम तो घर में होती हो, घर में काम है क्या होता है। ट्रस्ट मी, हाउस वाइफ मेरे ख्याल से हाउस वाइफ होना इज़ अ फुल टाइम ड्यूटी। आप अगर जॉब कर रहे हैं ना, मर्द हजार या कोई भी, तो आप संडे की छुट्टी कर सकते हैं, सैटरडे कर सकते हैं, बहुत जगह पे होती है, बट हाउस वाइफ के साथ ऐसे नहीं होता। तो पूरे घर की जिम्मेदारी, पूरा घर उसे एक औरत पे चल रहा होता है, तो उसके काम को उसको रिस्पेक्ट दीजिएगा। हम हाउस वाइफ खुद ही अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देती है, अपनी केयर नहीं करती है, अपनी परवाह नहीं करती है, तो फिर बर्डन ज़्यादा हो जाता है, चिढ़ जाती हैं, फिर हमारे जो अपने होते हैं उनको गिले शिकवे शुरू होना जाते हो जाते हैं। तो फिर इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपना ख्याल करें, मैं कोशिश करती हूँ अपना ख्याल करने की, पर नहीं कर पाती, हो जाता है मैनेज। तो मेरे पे जिम्मेदारियाँ मेरे बच्चों की, मेरी मदर इन लॉ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है, और मैं कोशिश करती हूँ कि अपने घर की जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाऊँ। तो इस पर कभी भी हो जाती है, आप लोग मुझे बताइए कि मैं, और मुझे लगता था सॉरी बात करना कि यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना आसान है, बट ट्रस्ट मी गाइस इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं 3-4 वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ, और काइंडली आप जाके देखिए और इसमें जो कमी है वो मुझे बताइए, और क्या, और बस। तो अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो अभी मैं आपको बाय बाय करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा काम था, और ये मैं उंगलियाँ चटका रही हूँ, ये मेरी आदत है। तो अल्लाह हाफिज़, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टाटा, बाय बाय, लव यू।